अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। आपने पिछली वीडियो में सीखा था कि आपने डेट ऑफ बर्थ में से एज मतलब कि ईयर कैसे निकालते हैं ना। पहले हमने एक मंथ डे ईयर मतलब कि उस पूरा डिटेल के साथ समझा था, फिर उसके बाद हमने सिर्फ ईयर निकालना समझा दूसरे फार्मूले से, और फिर उसके बाद आज हम सीखते हैं वी लुकअप शीट। वी लुकअप शीट में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटा होता है बहुत सारा, उसके अंदर से हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर से हम वो सर्चिंग करते हैं, नंबर्स लग ऐड करते हैं, तो उसका पूरा डेटा बता देता है जो नंबर हम ऐड करते हैं। समझ लेते हैं जैसे प्रैक्टिकल। यहाँ पर हमने टाइप किया वी लुकअप शीट, ये हो गया वी लुकअप शीट। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर कलर्स वगैरह ऐड कर देते हैं, बॉर्डर ऐड कर सेंटर कर देते हैं, और इसका साइज भी बढ़ा कर देख कर स्टाइल भी इसका चेंज कर देते हैं, कोई भी एक अच्छा स्टाइल भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने ये वाला स्टाइल ऐड कर दिया। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद फादर्स नेम, फिर उसके बाद कास्ट, फिर उसके बाद एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर के सामने यहाँ पर ऐसे नेम ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम ऐड कर दिया एक इसरार, इमरान, इसरार और नासिर। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम में आ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम ऐड करते जाएंगे। फादर्स नेम ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर कास्ट भी ऐड कर देंगे ना, जैसे कि यहाँ पर हमने फादर्स नेम में हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, उसके बाद कास्ट पर चले गए, कास्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दी। उसके बाद एड्रेस पर आ गए, जैसे कि हमने यहाँ पर एड्रेस ऐड कर दिया, और यहाँ पर फिर आएंगे फ़ोन नंबर्स पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया फ़ोन नंबर 111, और फिर उसके बाद दूसरा 22222, फिर उसके बाद 333 ऐसे नंबर ऐड कर, मतलब कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो। इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर ऐड कर, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये चीज़ें हेडिंग्स हमने ऐड किए ना, इन्हों को कर देंगे थोड़ा बोल्ड, और यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये नेम खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पर क्लिक कर कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर लेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर के डाउन साइड वाले बॉक्स पर सेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फार्मूला मतलब कि लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, फिर फार्मूला ऐड करेंगे। डेटा पर क्लिक करेंगे, डेटा का एक ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू का ऑप्शन आएगा, लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर सोर्स पर क्लिक कर यहाँ से सीरियल नंबर आल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पर ये देखें एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है कोई भी, नेम के सामने क्लिक करना है, फिर इक्वल टू लगाकर वी लुकअप टाइप कर ब्रैकेट ओपन करना है, सीरियल नंबर पर क्लिक कर देना है, फिर कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद टेबल आल सेलेक्ट कर लेना है ना, टेबल आल सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा लगाना है, फिर टू लगाना है। देखिएगा टू क्यों लगाया समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं ना, देखो कॉलम वन में सीरियल नंबर आ गया, ये सीरियल नंबर तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। अभी नंबर टू पर आ रहा है नेम, मतलब कॉलम नंबर टू पर आ रहा है नेम, कॉलम नंबर टू, इस वजह से क्योंकि सिलेक्शन नंबर वन सिलेक्शन नंबर टू कॉलम टू ये आ गया, इस वजह से टू रख दिया। फिर कोमा लगाकर ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर जीरो लगाकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इसके बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये नेम हमारे सामने शो करवा देगा। उसके बाद हम ऐसा करते हैं, क्या ये सब पर एक ही फार्मूला ऐड होगा, तो कैसे ऐड करेंगे सब पर बार बार लगाने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ऐसे सेलेक्ट कर कीबोर्ड में एक F4 का बटन है ना, कीबोर्ड के अंदर F4 का बटन है, F4 का बटन प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। अभी ये हो गया लॉक, ये सिलेक्शन मूव नहीं करेगी, तो यहाँ पर क्लिक कर हम यहाँ से इसको ऐसे फार्मूले को कॉपी कर देंगे। नंबर फादर नेम के सामने नीचे क्लिक किया, 3 नंबर ऐड कर दिया, फिर उसके बाद कास्ट पर चले गए, यहाँ पर 4 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे हम, यहाँ से ऐसे 5 ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड करने के बाद यहाँ पर से नंबर चेंज करेंगे तो सब डेटा चेंज हो जाएगा, ये देखें
जितना भी जो भी नंबर रखोगे उसको पूरी डिटेल्स बता देगा, आपके टेबल में जो डिटेल ऐड होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वी लुकअप शीट भी समझ आ गई होगी। जो समझ नहीं आ रहा हो तो जीमेल आस पर या व्हाट्सएप वगैरह पर आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको चैनल्स पर ही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक